गणपति बाप्पा का आगमन हो रहा है। लोग बड़े ही उत्साह के साथ गणपति बाप्पा के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बाजार में बेहद आकर्षक गणेश जी की मूर्तियां हैं। जगह जगह गणेश जी की स्थापना के लिए झांकियां तैयार हैं। गणेश उत्सव को लेकर कैसा माहौल है, आइए जानते हैं हम हमारी संवाददाता पल्लवी परिहार से। विघ्नहर्ता गणेश का आगमन कल से होने जा रहा है। कल सभी भक्त अपने घरों में गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। कोई छोटी गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना करेगा, कोई बड़ी, कहीं झांकियां बैठेंगी और सभी भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव से अपने घर गणेश जी को लेकर जाकर उनकी स्थापना करेंगे। फिलहाल हम हैं भोपाल के MACT चौराहे पर, जहाँ पर कई मूर्तिकार या मूर्ति विक्रेता भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मूर्तियों के विक्रेता भी दुकानें लगाकर बैठे हुए हैं और ये ही कुम्हार का काम भी करते हैं, ये मूर्ति बनाते भी हैं। सभी प्रकार की मूर्तियाँ हैं, 100 रुपये से स्टार्ट है, 1000, 500, 200, 250, सभी रेंज की मूर्ति है। बाकी बड़े साइज की मिल जाएंगी 5 से 6 हज़ार रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये, सभी रेंज की मूर्ति है। यूपी की ये रहती है कि मतलब कम रेट में कम दाम में मूर्तियाँ मिल जाती है। मिट्टी में क्या है, कॉस्टली रहती है, बनाने में टाइम लगता है उसमें, और मिट्टी अपने भोपाल में कहीं इस चीज़ की मिट्टी है ही नहीं है जिसमें कहीं मूर्ति बनती है। मतलब लागत तो ऐसा मिल तो सब जाता है, बच्चे की मेहनत बहुत है और साल भर लगे रहते हैं इस काम में। हम लोग साल भर से कंप्लीट करते हैं और ये तो समझ लो 2 दिन का खेल रहता है, 2 दिन में जितना कमा सकते हो कमा लो, बच गया तो वो नुकसान भी होता है। लोग अपने घरों में स्थापना के लिए छोटे गणेश जी लेने आए हुए हैं। मूर्तिकार श्री गणेश जी की मूर्तियों को तैयार कर रहे हैं। कोई उनमें रंग भर रहा है, कोई उनको खूबसूरती से कपड़े पहना रहा है, तो कोई नजाकत से नए नक्श बना रहा है। कोरोना काल के बाद से सभी त्योहार फीके पड़ गए थे, लेकिन अब बाजारों में रौनक लौट आई है, जिसके बाद विक्रेताओं को थोड़ी उम्मीद है। मैं यहाँ गणेश मूर्ति खरीदने के लिए आई हूँ और काफी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मूर्ति मुझे डिसाइड करनी है। जी मूर्तियाँ तो खैर मैं काफ़ी अच्छी, मतलब मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मैक्सिमम मुझे इस साइज की मूर्ति बिठानी है, और बिठाने की इच्छा तो यह है कि काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी, मगर घर के हिसाब से मुझे ये मूर्ति बहुत अच्छी लग रही है। और इसी बेस में जैसे कि गणेश जी बैठे हुए पोजीशन में भी हैं, और कहीं पर मतलब अलग अलग, कहीं चूहे पे हैं और किसी ढोलक पे बैठे हुए हैं, तो मैं क्या डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि POP की मूर्तियाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं, जिस पर प्रशासन ने सख्ती से रोक लगाई है, मगर शासन की सख्ती के बावजूद POP की मूर्तियाँ बन भी रही हैं और बिक भी रही हैं। और एक कारण ये भी मान सकते हैं कि POP की मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियों से थोड़ी सस्ती होती हैं, इसलिए भी ज्यादातर लोग POP की मूर्तियाँ खरीदते हैं। नहीं सब मिट्टी, टोटल मिट्टी और घास लगाते हैं अपन इसमें, घास बास और मिट्टी टोटल। चौक मिट्टी भी खड़िया रहती है ना, जो अपनी घरों में पुताई करते हैं वो है, बाकी मिट्टी है वो भी, जो अपन चेहरों पे मिट्टी लगाते हैं मुल्तानी मिट्टी वो रहती है। हाँ, POP से अलग होती है वो, तुरंत मिट्टी में पानी में घुल जाती है वो, आप थोड़ा सा पानी मिलाओगे कड़क कर लोगे, अपन आटा गूंथते ना वैसे कड़क कर लोगे आराम से बन जाती है मिट्टी वो, एक महीने पहले से। दादा ग्राहक तो पहले मिट्टी बोलता है फिर आते तो POP मांगते हैं। ये तो क्या बड़े झांकी वाले जो रहते हैं बस वही मिट्टी की मूर्ति बनवाते हैं, बाकी तो छोटे घरों में मिट्टी भी बनाते हैं अपन, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा रहने के कारण ज़्यादा POP के लेके जाते हैं ग्राहक। तो यहाँ हमने बात की कुछ मूर्ति विक्रेताओं से, कुछ मूर्तिकारों से जो यहाँ मूर्ति बना रहे थे, मूर्तियों को तैयार कर रहे थे, मूर्तियों में कलर कर रहे थे, और प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद भी कुछ भी कहें POP की मूर्तियाँ बिक रही हैं, लोग ले भी रहे हैं, या यूँ कहें कि महंगाई की मार की वजह से लोग थोड़ी सस्ता अफोर्ड करते हैं और POP की मूर्तियाँ लोगों को थोड़ी सस्ती मिलती हैं, इसलिए लोग मिट्टी की मूर्तियाँ लेने से पहले सोचते हैं। और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो POP की ही मूर्तियाँ खरीदते हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश के लिए श्रद्धा तो सभी के दिल में है और सभी चाहते हैं कि उनके घरों में श्री गणेश का आगमन हो। सभी अपने घरों में मूर्तियां लेकर जाते हैं, कोई छोटी मूर्तियां तो कोई बड़ी मूर्तियां, इसलिए जिसको जैसा पड़ पाता है, वो जिस कीमत में सही लगता है वो वैसी मूर्तियां अपने घर लेकर जाता है। हम आशा करते हैं कि श्री गणेश आप सभी के घर पधारें और आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। कैमरामैन अफजल के साथ मैं पल्लवी परिहार, दखल न्यूज़। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals.
Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।